नमस्कार, आम ओडिशा को स्वागत करुछु। लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को। अभिजीत आयर मित्र को हाईकोर्ट रु मिलला जमीन। शहीदनगर एवं कोणार्क थाना रे रुजु मामला रे जमीन मिलिछे। पूर्वरु अभिजीत ना रे थिबा समस्त मामला प्रत्याहार करबा पाई निष्पत्ति नेथिले राज्य सरकार। एने गृह विभाग पक्षरु प्रेस विज्ञप्ति जारी होइथिला। विधायकक विरोध रे अरुचिकर मंतव्य नै विधानसभा गृह कमिटी आगरे हाजर होइथिले आयर। एहा परे गृह कमिटी रिपोर्ट को विधानसभा रे उपस्थापित करा जायथिला। अभिजीत निस्वार्थ क्षमा प्रार्थना पाई गृह कमिटी सुपारिश करिथिला। गृह कमिटी सुपारिश सेतेबेले विधानसभा रे गृहीत होइथिला। ओडिशार कला संस्कृति विषय रे भलो भाबे अध्ययन पाई परामर्श देइथिला विधानसभा गृह कमिटी। बदलिला बलांगीर हाइकोर्ट स्थायी बेंच स्थापन दाबी। आंदोलन तरीका मध्य बदलिछे। हाइकोर्ट बेंच स्थापन दाबी रे वकील करिछन्ति मुंडन। आईनजीवी मदन मोहन सेठ मुंडन होई एही प्रतिवाद करिछन्ति। बलांगीर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे आंदोलन थमिनथिबा बेले वकीलंक एपरि प्रतिवाद चर्चार कारण होइछे। लोयर इंद्र जलसेचन प्रकल्प को संप्रसारण कर जल जोगाण एवं मरुड़ी क्षतिपूरण सहायता राशि प्रदान दावी। प्रतिवाद रे नुआपड़े करा जाए रास्तारोक। निखिल उत्कल चाषी मूल्य संगठन तरफ रास्तारोक एवं आंदोलन करा जाउछि। सकाळ 6:00 आंदोलन करा जाउछि। शताधिक चाषी खड़ियाल ब्लॉक रो दोहेलपड़ा गाँव में एकत्रित हो भवानीपाटना खड़ियाल मुख्य रास्ता को अवरोध करिछन्ते। दीर्घ समय धरी रास्ता अवरोध हेबा फळरे दोहेलपड़ा रास्तार दुई पार्श्वे 2 किलोमीटर पर्यंत जानवाहन लंबा धाड़ी लगी देखा मिली। सेपटे जात्रीवाह बस गुड़िक दीर्घ समय धरी अटकी रहिबारो यात्री माने बहु असुविधार सम्मुखीन होती। जिला प्रशासन दाबी पूरण नक पर्यंत चाषी माने रास्तारु हटिबे नाही बोली चेतावनी देछन्ते। हमर एरिया रु 40-50 किलोमीटर हवा पानी पड़ गया। हमर एरिया पानी हमर एरिया के नहीं लगभग किंतु बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के गलाना एकदम पूरा एरिया लोग पूरा चाषी जमीन पेड़ नहीं लगा बार बार मरुड़ी होछे धान मरी जाए खावा के नहीं मिलवा। मुख्यतः तो निकटस्थ तिखाली जल योजना रु अंचल चाषी माने आम पानी पाई नहीं पार्बार। इटा हूँ मुख्य मुद्दा। मालकानगिरि खैरपुट राशिं रास्तारोक धानावस्था रखी रास्तारोक करिछन्ते चाषी। ल्याम्प अधिकारी क्विंटाल पिछा अधिक धान नेउथबा अभियोग रे चाषी माने रास्तारोक करिछन्ते। चाषीं रास्तारोक जोगु मालकानगिरि खैरपुट रास्तारे जानवाहन चलाचल प्रभावित होइछे। घटनास्थल रे प्रशासनिक अधिकारी पहुंची आंदोलनकारी चाषीं बुझासुझा करुछन्ते। ए संपर्क अधिक सूचना पाई आम सहित अच्छा महेन्द्र पाणिग्राही प्रतिनिधि। महेन्द्र, जो भी भाव में मालकानगिरी खरीपुट रे चाषी रास्तारोक करिछन्ते मुख्य दाबी कौन रही छे? देखो लक्ष्मी नारायण, जहाँकि आम प्रथम रू भी देखाइल कि जहाँकि जो खैरपुट अच्छी बालीमेला गोविंदपाली जो मुख्य सड़क पथ अच्छी से खैरपुट टारे धान बस्ता रखिकी मिलर माने सेठारे एक प्रतिवाद जनाइले अभिनव प्रतिवाद जनाइले जहाँफल कि जो क्विंटाल प्रति जो 5 केजी एक्स्ट्रा नौ मिलर कि जो रही जो लैंप अधिकारी मान रही तो प्रतिवाद करी किसी चाषी मैंने खैरपुट रही खैरपुट सदर महकुमार आंदोलन करते कि सूचना मिलू जो क्विंटाल पिछा 1 केजी एक्स्ट्रा ने 1 केजी अधिक ने मिलर ए चाषी मान एक चुक्ति होगी आगक रही वर्ष जो मंडी रही धान गुड़िक रही जाऊला विभिन्न समय प्रति वर्ष 2-3 राती मिलर मान जगुले मिलर मान न ने फल चाषी मैंने मंडी सुतवा देखा जाऊला कि सूचना मिलूँ क्विंटाल पिछा केवल 1 केजी चाषी मान एक्सट्रा निर्णय मिलर मान चाषी मान महेन्द्र, जो भी भाव में आप चाषी मैंने अभियोग कर 1 किलो अधिक मगा जा रास्तारोक कर रास्तारोक फल कौन प्रभावित तो हो जनजीवन एवं किसी यात्री भी असंतुष्ट प्रकाश करते कारण जो बालीमेला एवं जो गोविंदपाली मुख्य सड़क पथ जाकि अन्य कौन सड़क पथ ना जीवा आसवाप तो तेणुक निश्चित भाव असंतुष्ट प्रकाश करते कि चाषी मैंने बहु समय मंडी हूं कि बिलरे बहु राति शोवा फल विभिन्न स्थान में प्रतिभा जनाऊ तेरे एक प्रकार कह सफल हो चाषी मान जो प्रतिवाद थी सफल हो जो 5 केजी 5 किग्रा एक्स्ट्रा नौते कमे कि 1 किलो ही जहां चुक्ति चाषी मान
ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଯେ କଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହିବ ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ। धन्यवाद महेन्द्र अधिक सूचना पाई सीधासलख आप देखुले आम प्रतिनिधि मलकानगिरी महेन्द्र पाणिग्राही जहाँ सूचना दूसरे चाषी मैंने रास्तारोक कर मलकानगिरी खरीपुटे चाषी रास्तारोक धान बस्ता रखी रास्तारोक कर चाषी। एवढे मंडी में किणा बिका बंद संबलपुर बरईपाली धानमंडी अचलावस्था देखाई अद्रता ना अधिक काटनी छटनी कराऊ जहाँ चाषी मैंने विरोध करर ग्रेडर एवं कूला व्यवहार को विरोध कराफल मंडी में धान किणा बिका बंद रही धानमंडी में अप्रीतिकर परिस्थिति लग रही थी शह शह धान बोझ गाड़ी अटकी रही। ढेंकनाल बेलटेक्री गुड न्यूज इंडिया सेल्टर होम जौन निर्यातना मामलें फौज संस्था मुख्य फैज रेहमान को दुईदिनिया रिमांड नहीं तनाघना कर ढेंकनाल पुलिस। गुड न्यूज इंडिया युवती चारण हो कि ना बाहर राज्य कि बाहर देश को पिला जा कि से नहीं जेरा कर पुलिस। 2015 ढेंकनाल गुड न्यूज इंडिया को प्रशासन बंद करने पुणी किभली चलला और संस्था चलवाई केउठारु आसुतला टंका विदेश फंड चली कि गुड न्यूज इंडिया से नहीं पचराउचरा सेपटे बेलटिक्री जौन केलेंकारी घटना सामना को आसीबा परे राज्यर विभिन्न स्थान में थिबा गुड न्यूज इंडिया रा सेल्टर होम उपरे चढ़ाव करा जाइछि। गुडाय तथ्य आमे तांको पाखर हासिल करिछु आउ आमर गोटे टीम अफ अफिसर्स तांको इंटरोगेशन करछन्जी एवं तांकर जो मेनली आमे फॉरेन फंडिंग उपरे देखुतुलु तांकर केंद्रीय रजिस्ट्रेशन अछि कि नाही एवं फॉरेन फंडिंग जदि गोटे एनजीओ आने ताहले ताको यूटिलाइजेशन करा जाउछि कि नाही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाउछि नाही ऑडिट होउछि कि नाही एवं तार रिटर्न प्रति वर्ष फाइल होउछि कि नाही से संबंधे मध्ये हमें तथ्य संग्रह करिछु आ जहाँ हमें मोटामोटी देखुथुलु से संस्था पाखापाखि 14-15 कोटी टंका प्रति वर्ष ए सब काम से व्यवहार करुछि। ए संपर्क अधिक सूचना पे आम सहित फोनलाइन अच्छा प्रतिनिधि आशीष शतपथी। आशीष जो भाव में दुईदिनिया रिमांड रही मुख्य फैज रेहमान तेज जी कह वर्तमान अधिक कौन जेरारु तथ्य मिली गत काली जेरा आरंभ करा जाय छे एवं गत काली राति 9:30 पर्यंत जेरा करा जाय छला जो संस्थार मुख्य रहिछन्ते फैज रहमान को एवं आज मध्य तनाघना करूछि ढेंकनाल पुलिस से संपर्क अधिका तथ्य पता को आनिबा पई एवं वर्तमान सुधा जहां हम पाखरे खबर रहिछि तबे ढेंकनाल पुलिस वर्तमान जो स्वतंत्र पोक्सो कोर्ट रहिछि ढेंकनाल तांकु मध्य आउ 2-3 दिन पर्यंत रिमांड रे नेबा पई वर्तमान अनुमति पई वर्तमान ढेंकनाल पुलिस चेष्टा मध्य जारी रखिछि जेहेतु 2 दिन रिमांड यथेष्ट नथिला अधिक तथ्य वर्तमान सुधा मध्य पता को आसी सारा से फॉरेन कंट्री फॉरेन मनी कथा कहतु किंवा जो भाई भाव में जौन केलेंकारी पिला जो नाबालिका मानक धर्मांतरीकरण करते यह सब समस्त तथ्य वर्तमान धीरे धीरे गुमरा फिटा पर बर्तमान ढेंकनाल पुलिस तनाघना अधिक आरंभ कर जो फैज रहमान को आउ 2-3 दिन पर्यंत रिमांड ने वर्तमान सुधा प्रयास रखी स्वतंत्र पोक्सो कोर्ट अनुमति दे ढेंकनाल पुलिस आउ 2-3 दिन वर्तमान फैज रहमान को रिमांड ने आहरी खोलताल कर वर्तमान सूचना रही सहित आम कहीपर जो शाखा परिचालक वर्तमान ढेंकनाल पुलिस 2 घंटा जेरा कर सूचना देते जहां ढेंकनाल एसपी आमको सूचना देते ढेंकनाल जेल परिसर मध्य 2 घंटा दिन 2-4 पर्यंत जेरा करू जो तथ्य बाहर ताकू आधार कर आउ 2-3 दिन जो रिमांड ने वर्तमान चेषा करुच्छे ढेंकनाल पुलिस फैज रहमान को तार उपर अधिका पचरा उचरा कर संपूर्ण तथ्य बाहर करने चेषा कर आशीष जी कहीपर ताहले दुईदिनिया रिमांड रे वर्तमान अच्छा फैज रहमान ता सहित केयारटेकर जी थे जेरा करने पुलिस योजना करुच्ची कहीपर जो पुलिस गुरुत्वपूर्ण हो पड़ मुख्य रहमान एवं परिचालकों मध्य तालमेल रही ना नहीं देखु लक्ष्मीनारायण जदि आम तालमेल कथ कह तेज देखु पूर्वर आमे जिते बड़े सीमांचल नायक और फैज रहमान जे संस्थार मुख्य अच्छा दुईजार कथबार्तार तालमेल खाऊन तो आधार कर बर्तमान ढेंकनाल पुलिस तनाघना करुच्ची एपटे फैज रहमान जो कथबार्ता रही जेरें
ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏପଟେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ପରିସରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରାଯିବ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯିବ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିକା ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେଜ ରେହମାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଆଜି ସରିବା ପରେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତନାଘନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶିଷ କହିପାରିବା ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡର ଆବେଦନ କରିପାରେ ପୋଲିସ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ କେୟାରଟେକର ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଏବଂ ଫେଜ ରେହମାନ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନ ଉପରେ କେତେ ତାଳମେଳ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବକୁଣ୍ଡ ଥାନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଜାଲ ନୋଟ୍ କାରବାର ସନ୍ଦେହରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜି ସକାଳୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନକିଆରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରେମୁଣା ଗାନିପୁର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଟୋକୁ 300 ନୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜାଲ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ 2,000 ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 300 ବାହାରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଛୁ, ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, କ'ଣ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଏବେ ସେଟା କହିପାରିବୁ, ଭେରିଫାଏ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର।